बचे सिर्फ डेढ़ महीने, शेड्यूल को लेकर बढ़ गई है अब बीसीसीआई की टेंशन, आ गई है बुरी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1163वां एपिसोड। आज 1 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर महिला आईपीएल के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों इसी महीने फरवरी के एंड तक महिला आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन महिला आईपीएल की शुरुआत से पहले अब एक बड़ा झटका लगने वाला है और यह झटका इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड देने वाला है। दरअसल दोस्तों मेंस आईपीएल की तरह वुमेन्स आईपीएल में भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उंगली करने लगा है, क्योंकि रिपोर्टेडली अंग्रेजी महिला प्लेयर इस साल का WPL नहीं खेलेगी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज होने वाली है, जिसके चलते भैया इंग्लैंड की महिला प्लेयर अब डिलेमा में है आईपीएल, वुमेन्स आईपीएल खेलने से। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो WPL को नुकसान होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की कई महिला प्लेयर ऑलरेडी मना कर चुकी है। और यार देखो, अगर वुमेन्स क्रिकेट की बात होती है ना, तो वुमेन्स क्रिकेट के जो मुख्य महिला खिलाड़ी उभर के निकल के आती हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से ही आती है, और अगर इन दोनों देशों की नहीं खेलेंगी तो नुकसान तो होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर दिल्ली की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। अगस्त सितंबर में काउंटी खेलने के दौरान नी इंजरी हुई थी पृथ्वी शॉ को, जिसके चलते पृथ्वी शॉ रिकवरी फेज में थे और कॉम्पिटेटिव क्रिकेट से दूर हो गए थे। रणजी में कुछ अच्छी इनिंग्स और नॉक भी खेली थी और रणजी में अच्छा फॉर्म दिखाया था, लेकिन उसके बाद से ही पृथ्वी शॉ क्योंकि इंजरी से रिकवरी कर रहे थे, रिहैब कर रहे थे, गायब थे। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि रिहैब पूरा हो चुका है, रिकवर्ड हो गए हैं नी इंजरी से, इनकी वापसी होने वाली है आईपीएल 2024 में। तो आईपीएल 2024 से पहले ये दिल्ली के लिए सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि ऋषभ पंत भी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहा है, बट अभी तक ऋषभ पंत को नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने अप्रूवल नहीं दिया है। तीसरे इनके खिलाड़ी एनविश नॉटजी भी है दिल्ली के, जो कि इस समय इंजर्ड चल रहे हैं और साउथ अफ्रीका की टीम से भी दूर बाहर बैठे हुए हैं। तो पृथ्वी शॉ की वापसी सचमुच इनको ठंडक देने वाली है, क्योंकि फंसी हुई है इस समय दिल्ली की टीम, स्पेशली इन इंजरीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर बेन स्टोक्स के हवाले से निकल कर आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर बेन स्टोक्स का एक बड़ा बयान आया है। स्टोक्स ने कहा है, आई एंड बैज ऑलवेज ट्राई टू फॉलो CSK एंड माही। तो भैया स्टोक्स ने साफ साफ कह दिया है कि मैं और जो हमारे कोच है ब्रेंडम मैकलम, जिनको बैस कहा जाता है, ये दोनों ही CSK के प्लेयर्स रह चुके हैं और वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और CSK में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी स्टिंट को। तो साफ है भैया आईपीएल का असर कहां कहां पहुंच रहा है देखने वाली बात है। एक जमाने में ये अंग्रेज शिप से नहीं उतरते थे हिंदुस्तान की सरजमी पर, जब क्रिकेट खेलने आते थे 70-80 के दशक में, तो इनका शिप पार्क होता था मुंबई हार्बर पर, ये रहते सोते शिप में थे, सिर्फ खेलने के लिए आते थे भैया मैदान पर। आज समय ऐसा बदला है भाई कि ये लोग इंस्पायर हो रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों से, और यही आईपीएल के लिए सल्यूट है यार, आईपीएल के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर भी महेश तीक्ष्णा और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से ही निकल कर आ रही है। धोनी के अंडर खेलने पर महेश तीक्ष्णा ने भी एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, आई ड्रॉप 4-5 कैचेस, MS डिडंट रिएक्ट। तो तीक्ष्णा का कहने का मतलब यही था कि भैया 4-5 कैचेस मैंने पिछले सीजन में छोड़े थे, फाइनल के टाइम भी अच्छा नहीं गया था फील्डिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी रिएक्ट नहीं किए और मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और धोनी के अंडर में खेलने का यही फायदा होता है, ये कहना है भैया महेश तीक्ष्णा का, जो श्रीलंका से आते हैं और अब बहुत बड़े स्पिनर बन चुके हैं, लेकिन खोज इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की ही कहा जाता है। ऐसे कई प्लेयर हैं जो आईपीएल टीमों की खोज है, जसप्रीत बुमराह मुंबई की खोज रहे, हार्दिक पांड्या भी मुंबई की खोज रहे, KL राहुल शुरुआत में हैदराबाद में आए, फिर RCB की टीम ने खूब खिलाया इन्हें भी, UG चहल RCB की खोज रहे, उसी तरह से चेन्नई ने कई प्लेयर निकाले हैं और तीक्ष्णा उनमें से एक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवीं बड़ी रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आईपीएल की हर अपडेट, एक एक खबर यूट्यूब से भी पहले टेलीग्राम पर डल जाती है। यूट्यूब पर रोज एक दो तीन वीडियोस डलती है, लेकिन टेलीग्राम पर 24 घंटे का लाइव कवरेज चलता है। और आईपीएल में कौन इंजर्ड है, शेड्यूल को क्या इशू है, शेड्यूल कब आएगा, कैसा शेड्यूल है, शेड्यूल भी सबसे पहले टेलीग्राम पेज पर डल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवीं बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है यूएई से, इंटरनेशनल लीग T20 चल रही है, जिसे आईपीएल का ही काइंड ऑफ ए छोटा प्रारूप कहा जाता है, क्योंकि 6 में से 4 टीमें आईपीएल टीमों के मालिक होगी है। और यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम काफी अच्छा कर रही है। मुंबई की टीम इस समय इंटरनेशनल लीग T20 के टेबल पर टॉप पर बनी हुई है। 4 मैचेस जीते हैं मुंबई वालों ने 6 मैच से, और लगातार 8 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं। तो अच्छी खबर है यूएई से, और ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करेगी मुंबई की टीम का आईपीएल 2024 से पहले। वैसे दोस्तों ये जितनी लीग्स हो रही है ना, अब ये काइंड ऑफ छोटे छोटे आईपीएल ही होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर टीमें जो होती है आईपीएल टीमों के मालिकों की होती है, लोगो जर्सी सेम होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो मुंबई के लिए एक बुरी खबर भी आ रही है, और यह बुरी खबर दोस्तों साउथ अफ्रीका से आ रही है। ऐसे 20 चल रहा है जिसमें 6 की 6 टीमें आईपीएल टीमों के मालिकों की है, और यहाँ पर दोस्तों मुंबई की टीम की स्थिति काफ़ी पतली है। लखनऊ वालों की जो टीम है वो तो टॉप पर बनी हुई है दोस्तों डरबन सुपर जाइंट्स की, लेकिन मुंबई वालों की टीम बॉटम पर बनी हुई है। ऐसे 20 में बुरी स्थिति है, 8 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस जीत पाए हैं ये लोग ऐसे 20 में, और वहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हो रहा है। जाहिर है दोस्तों कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे 20 में मुंबई की टीम MICT में, मुंबई इंडियंस केप टाउन में खेलते हैं, और इधर भी आईपीएल में भी वो सेम टीम मुंबई इंडियंस मुंबई वाली टीम में खेलते हैं। तो जाहिर है अच्छी खबर ये नहीं आ रही है मुंबई के लिए। तो एक जगह से यूएई से अच्छी खबर है, और साउथ अफ्रीका से अच्छी खबर नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो क्या है शेड्यूल का हाल, बचे मात्र 1.5 महीने, अभी तक क्यों नहीं आया है शेड्यूल, क्या टेंशन चल रही है, क्या बुरी खबर है, क्या कर रहा है प्लानिंग बीसीसीआई, फटाफट समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों पूरी रिपोर्ट यह है कि आधा शेड्यूल बीसीसीआई ने तैयार कर लिया है, लेकिन बीसीसीआई एक साथ पूरा शेड्यूल रिलीज करेगा। आधे मैचों के वेन्यूज बीसीसीआई अभी बताएगा, और आधे मैचेस के क्या वेन्यू रहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, वो बीसीसीआई बताएगा दोस्तों जनरल इलेक्शन की तारीखों के बाद। तो आधा शेड्यूल आएगा, शेड्यूल बीसीसीआई जो प्लानिंग कर रहा है आएगा शेड्यूल पूरा ही, लेकिन जो वेन्यूज डिसाइड किए जाएंगे वो 15-20 अप्रैल से पहले के सारे वेन्यूज अभी ही बीसीसीआई डिसाइड कर लेगा। और 15-20 अप्रैल के बाद प्लेऑफ तक के जितने भी वेन्यूज है कहाँ कहाँ होना है वो बीसीसीआई बाद में डिसाइड करेगा जनरल इलेक्शन की तारीखें आने के बाद। हालांकि जय शाह की बातचीत हुई थी भारत की सरकार से, और भारत की सरकार ने एक डेट दे दी है बीसीसीआई को कि भैया इस तारीख से चुनाव चालू होने वाले, तो इससे पहले का आप शेड्यूल बना सकते हो। अब देखते हैं वो डेट क्या है, क्योंकि अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं किए बीसीसीआई ने। प्रॉब्लम बहुत है बीसीसीआई के साथ, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज 11-12 मार्च को ख़त्म होगी, उसके बाद से विंडो शुरू होगी, तो मई तक की विंडो है ज़रूर, लेकिन फिर वर्ल्ड कप तुरंत 4-3-4 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू जाएगा T20 वर्ल्ड कप। तो फंसा हुआ शेड्यूल बहुत रहने वाला है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि एक लंबी विंडो निकाली जाए और थोड़ा सा लेट ही फाइनल किया जाए। पहले कहा जा रहा था कि 15 तारीख या 19 तारीख तक फाइनल, 19 मई तक फाइनल हो जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भैया 26 मई को फाइनल होने वाला है। देखते हैं इस पर आगे क्या अपडेट आती है। हर अपडेट यहां पर YouTube पर मिलेगी, सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखो। अभी की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि शेड्यूल पूरा ही बनेगा, वेन्यूज आधे डिसाइड होंगे। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो भैया इलेक्शन के लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है, बीसीसीआई को जनरल इलेक्शन की कुछ इनसाइट दे दी है भारत की सरकार ने। इनसाइट ये दी है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच जनरल इलेक्शन शुरू होगा। तो इलेक्शन मतलब 15 तारीख से पहले तक का जो शेड्यूल है वो इजी बीसीसीआई बना सकता है, और उसके बाद के शेड्यूल बनाने में बीसीसीआई को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जनरल इलेक्शन कब कहाँ है, किस मैदान पर, कितने कहाँ कैसे मैचेस हो रहे हैं, ये सब फिर बीसीसीआई को देखना पड़ेगा, और उस आधार पर वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे इस पर बीसीसीआई क्या करता है। अभी की परिस्थिति में जनरल इलेक्शन को लेकर भारत की सरकार ने बीसीसीआई से 15 से 20 तारीख की स्टार्टिंग की बात कही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो कल बड़ा मैच होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच, दूसरा टेस्ट मैच होगा। ये टेस्ट मैच भारत के नजरिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो WTC है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल है उसमें भारत 5वें स्थान पर आ चुका है। पिछला मैच भारत इंग्लैंड के हाथों ही हार गया था हैदराबाद में, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। और अब परिस्थिति दोस्तों यह है कि अगर ये मैच भी भारत हारता है तो और बुरी स्थिति WTC के पॉइंट्स टेबल पर हो जाएगी। पूरी टर्निंग विकेट
बीसीसीआई बनवा रहा है, वाइजैक में भी, वाइजैक में ये मैच है कल से, लेकिन उसका फायदा इंग्लैंड को भी मिल सकता है, हमने पिछले मैच में भी देखा था। अभी की स्थिति में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा इस मैच का हिस्सा नहीं रहने वाले, दोनों चोट के चलते इस समय रिहैब कर रहे हैं, तो इस मैच के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, दसवीं वाली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मैच में, वो उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, सरफराज खान और रजत पाटीदार ने टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया, इस समय प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं। रिपोर्टेडली प्लेइंग 11 जैसी पिछले मैच में थी वैसी रहेगी, लेकिन दो तीन बड़े बदलाव हो सकते हैं। अय्यर और गिल में से किसी एक को बाहर कर सरफराज और पाटीदार की एंट्री होने वाली है, साथ ही जडेजा और केएल राहुल के स्थान पर भी नए प्लेयर्स को बीसीसीआई जगह देने वाला है। तो काफी सारे बदलावों के साथ, अराउंड 3 चेंजेस के साथ टीम इंडिया उतरेगी। आपके हिसाब से कैसी रहेगी इस दूसरे टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11? अपनी राय, अपनी प्लेइंग 11 नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताइए, देखते हैं किसकी सही होती है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबा।